हे hey, कैसे आप लोग। और अभी हम लोग का क्लास किस चीज़ का है? एडवांस मैथ का। चलिए, एडवांस मैथ में आप क्या सीखने वाले हैं? अगर याद हो तो अच्छी बात है, अगर याद नहीं हो तो मैं आपको बता दूं कि आज आपका क्लास है ट्रायंगल्स का। हाँ, आप 2D में सीख रहे थे, आप 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में थे, 2 डायमेंशनल आप 2D का सिलेबस का अध्ययन कर रहे थे, 2D सिलेबस में, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है आपका ट्रायंगल। तो ट्रायंगल से आज रिलेटेड जितनी भी बातें होंगी वो सभी हम लोग सीखने वाले हैं। ट्रायंगल से रिलेटेड जितनी भी बातें होगी, यानी ट्रायंगल से रिलेटेड जो भी बातें होगी आज वो आपको पूरा डिटेल सिखाई जाएगी। तो आज हम आपको उसकी बेसिक, उसका प्रॉपर्टी, उसके टर्म रिलेटेड जितनी भी बातें वो हम आपको सिखाने वाले हैं। तो आज आपका एकदम बेसिक से ही होगा, ट्रायंगल्स बेसिक से ही सीखेंगे हम। अभी आपको डायरेक्ट उसके प्रॉपर्टी पे नहीं आएंगे, उसके थ्योरम पे नहीं आएंगे, एकदम हम लोग ट्रायंगल्स को बेसिक से उठाएंगे, एकदम ट्रायंगल्स को बेसिक से उठाएंगे। अगर 8, 9, 10th के बच्चे भी होंगे तो उनको भी समझ में आए, क्योंकि उनके क्लास में भी ट्रायंगल्स पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिएगा, तीन सरल रेखाओं से बंद समतल ज्यामितीय आकृति, तीन सरल रेखाओं से, जैसे यहाँ पे ए मान लीजिए, ये आपको पॉइंट बी और ये तीन, तो यहाँ पे तीन स्ट्रेट लाइन, यानी ट्रायंगल में 3 स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहे होंगे, 3 स्ट्रेट लाइन, 3 सरल रेखाएं, वो कौन कौन से हैं? ए बी, बी सी और है आपको सी ए। ये 3 स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहे होंगे, 3 सरल रेखाओं से बंद, बंद मतलब क्लोज्ड, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ये क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर है, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, 3 सरल रेखाओं से बंद समतल ज्यामितीय आकृति, समतल ज्यामितीय आकृति, क्योंकि ये तो आपको प्लेन ज्योमेट्री है, आपको याद ही होना चाहिए कि ज्योमेट्री में हम लोग प्लेन ज्योमेट्री सीख रहे हैं, 3D तो है नहीं, क्योंकि 2D भी किस में आता है? प्लेन ज्योमेट्री में। अगर आप भूल गए हो तो यहाँ लिख लीजिए, ये प्लेन ज्योमेट्री की बात हो रही है बाबू, प्लेन ज्योमेट्री, समतल ज्यामितीय आकृति। तो 3 बंद समतल आकृति, यानी 3 सरल रेखाओं से घिरी समतल ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाती है। हाँ, नोट कर लीजिए, डेफिनेशन नोट कर लीजिए, आपके सामने यहाँ पे त्रिभुज आपको देख रहे हैं। त्रिभुज का जो सिंबल होता है, ट्रायंगल का जो सिंबल होता है वो आपको फिक्स किया गया है, वो आपको ऐसे होता है, ठीक है? ट्रायंगल का ये सिंबल है, यानी ट्रायंगल का ये सिंबल ही है कि इस सिंबल को हम लोग ट्रायंगल समझेंगे। अब आपको ध्यान दीजिएगा, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल यानी त्रिभुज के अंग क्या है, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का कोई भी त्रिभुज आपके सामने होगा, जैसे मान लीजिए हमने एक त्रिभुज यहाँ पे बनाया, समझिएगा ध्यान से, ए बी और सी, तो इस त्रिभुज में 3 पार्ट्स तो एकदम कन्फर्म है कि होंगे, 3 पार्ट्स। आप कहेगा सर वो 3 पार्ट्स क्या है? 3 पार्ट्स तो एकदम होने ही वाले हैं। पहला त्रिभुज में साइड्स होगा, बिना साइड्स का त्रिभुज हो ही नहीं सकता। दूसरा, त्रिभुज में वर्टिसेस होंगे, वर्टिसेस, और तीसरा, त्रिभुज में एंगल होगा। अगर ये आपको एंगल नहीं होगा तो वो त्रिभुज हो ही नहीं सकता, यानी ये 3 चीज़ें किसी भी त्रिभुज में होना जरूरी है। यानी फिर से समझिए, पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज के अंग। तो कोई भी त्रिभुज अगर आप लेते हैं तो सबसे पहले उसमें साइड्स होना चाहिए। अगर साइड्स आपके पास नहीं है तो मैटर गड़बड़ है, साइड्स तो होना ही चाहिए। उसके बाद आता है आपका एंगल्स, अगर एंगल्स आपके पास हो, उसके बाद आता है आपका एंगल्स, ठीक है? ये 3 चीज़ें आपके पास होना जरूरी है किसी भी ट्रायंगल्स में। यानी कोई भी अगर आपका ट्रायंगल होगा तो उस ट्रायंगल्स में 3 चीज़ों का होना जरूरी है, पहले साइड्स,
उसके बाद वर्टिसेस, उसके बाद एंगल्स। अब हम लोग समझते हैं कि साइड्स क्या है। तो जिसमें ये आपको ए बी देख रहे हैं, ए बी बी सी दिखाई दे रहा है आपको, ए सी, ये इसके साइड्स कहलाते हैं। ए इसके साइड्स, यानी जो तीनों स्ट्रेट लाइंस हैं ए बी बी सी और सी ए, ये ही इसके साइड्स होते हैं, यानी हिंदी में इसको भुजा कहते हैं। आई बात समझ में? अब आप कहेंगे सर वर्टिसेस क्या है, तो वर्टिसेस देखिएगा, ये आपको ए दिख रहा है, ये आपको बी दिख रहा है, ये आपको सी, ये इसके वर्टिसेस कहलाते हैं, शीर्ष। यानी कि वर्टिसेस होता है ए बी और सी, त्रिभुज में तीन वर्टिसेस ही होगा, चार वर्टिसेस नहीं होता। एंगल्स क्या है, तो एंगल्स की चर्चा, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो सरल रेखाओं से घिरा बाउंड्री, यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है यही एंगल, यानी तीन एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये त्रिभुज के पार्ट्स कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ एंगल्स, यानी पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुज के पार्ट्स। बोलिए, साइड एंगल वर्टिसेस समझने में कोई दिक्कत है? एंगल को कैसे डिनोट करना है हम आपको पहले भी बता चुके हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी। आपको अगर याद ना हो, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कैसे डिनोट करते हैं। बोलिए, तो त्रिभुज को आप समझ लिए कि त्रिभुज क्या है। त्रिभुज तीन क्लोज ज्योमेट्रिकल फिगर, यानी ये क्लोज्ड होगा, बंद समतल ज्यामितीय आकृति, बंद समतल ज्यामितीय आकृति त्रिभुज कहलाता है। और उसमें उसका सिंबल ये है, यानी इसको बोलेंगे ट्रायंगल ए बी सी, ये इसका नाम होगा। उसमें पार्ट्स आते हैं, पार्ट्स में सबसे पहले आपको साइड्स दिखता होगा जिसको भुजा बोलते हैं, फिर आपको वर्टिसेस यानी कि शीर्ष होता है, और फिर आपको हो गया एंगल यानी कि कोण हो गया। ये त्रिभुज के पार्ट्स होते हैं। अब आइएगा, ठीक है, अब सबसे पहले समझिएगा त्रिभुज के प्रकार, यानी हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल, हेडिंग बना लीजिए, टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल, यानी कि त्रिभुज के प्रकार। तो इसके जो है ना, हम लोग दो तरीके से समझते हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स या ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, यानी पहला आप हेडिंग दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल, ठीक है। इसका मतलब हो गया कि आप बोलिएगा कोण के आधार पे, यानी कोण के आधार पे, यहाँ पे लिख देते हैं कोण के आधार पे त्रिभुज के प्रकार। और दूसरा आपका होगा ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, यानी कि भुजाओं के आधार पे, या भुजा बोलिए। आ रही बात समझ में? हाँ, भुजाओं के आधार पे, यानी दो प्रकार से आपको ट्रायंगल को समझना है। यानी अगर हम फिर कहें कि ऐसी क्या बात है, तो आप कहिएगा सर दो प्रकार से ट्रायंगल्स को हमको समझना है। एक समझना है सर ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के आधार पे, यानी कि कोण के प्रकार के आधार पे, कोण के, यानी यहाँ पे हेडिंग क्या आ रहा है, एंगल्स की चर्चा हो रही है, यहाँ पे हेडिंग क्या आ रहा है, साइड्स की चर्चा हो रही है। और टाइप्स की बात है, तो टाइप्स में दो ही, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल और ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। क्लियर है? तो चलिए एक एक करके समझना शुरू करते हैं। हाँ, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल पहले निकालिए। चलिए नाउ अब हम लोग समझते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल्स, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल्स नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, यानी कि कोण के आधार पे। तो सबसे पहला समझिएगा कोण के आधार पे, सबसे पहला आपको मिलेगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल। उधर मिटा सकते हैं,
उधर मिटा सकते हैं, चाहे आप एक जगह है तो एक लिख देते हैं, आप लोग भी काहे ला जगह बर्बाद कीजिएगा, एक लिख देते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हाँ एक्यूट न्यून कोण, बहुत अच्छे गुड, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, हाँ एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल न्यूनकोण त्रिभुज, हिंदी लिख लीजिएगा एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल न्यूनकोण त्रिभुज। चलिए इसका क्या होता है कि किसी भी त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज लीजिए जिसका कोई भी कोण या प्रत्येक कोण, प्रत्येक कोण समझिए, ऐसा एक त्रिभुज ले लीजिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए ले लिए यहाँ पे बी, और इसका प्रत्येक कोण ईच कोण 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, ईच कोण प्रत्येक एंगल, यानी आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में कि सर इसका ईच एंगल शॉर्ट फॉर्म में 0 डिग्री से बड़ा, 0 डिग्री से नहीं थीटा, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा। यहाँ भी कोई थीटा हो सकता है, यहाँ भी कोई थीटा हो सकता है, यहाँ भी कोई थीटा हो सकता है, यानी कि 0 डिग्री से बड़ा हो लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, ये बात दिमाग में सेट कीजिए, तो उस त्रिभुज को हम लोग एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। सीधा सा मतलब है ना भाई कि किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा, किसी त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो तो वो त्रिभुज न्यूनकोण त्रिभुज कहलाता है। सिंपल सा बात है, पीडीएफ में हम आपको सारा रिटेन में दे देंगे, अभी तो आप समझने का प्रयास कीजिए, जितना अच्छा समझिएगा उतना अच्छा क्वेश्चन बनाइएगा। बार बार आपको ये बात कहते हैं, फिर से समझिए कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब हो गया कि वैसा ट्रायंगल जिसका प्रत्येक कोण 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा हो, तो ऐसे कोण को हम लोग न्यूनकोण त्रिभुज बोलते हैं। अगला देखिएगा, दूसरा लिखिए, दूसरा आपका जो होगा वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज, दूसरा आपका जो होगा वो होगा राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री का, कोई भी एक कोण, एक ऐसा त्रिभुज जिसका कोई भी एक कोण 90 डिग्री, जैसे यहाँ पे ये 90 है तो एंगल हम ऐसे लिखेंगे BAC बराबर 90 डिग्री, कोई भी कोण हो सकते हैं, इसके और भी फिगर हो सकते हैं। मान लीजिए आपको ऐसे बना ली, यहाँ पे B हो गया, यहाँ पे A हो गया C, तो यहाँ पे ये 90 है। आप कहेगा नहीं सर हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसे समझ लेते हैं, C यहाँ A यहाँ B यहाँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक कोण आपका 90 डिग्री होना चाहिए। याद समझ में आ रहा है? हाँ राइट एंगल ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप PNG LED लगा सकते हैं, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आप समझ चुके हैं क्या है। अब आइए अधिक कोणीय त्रिभुज, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, तीसरा जो है आपको वो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल यानी कि अधिक कोणीय त्रिभुज, अधिक कोणीय त्रिभुज। यदि किसी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा, जैसे यहाँ देखिएगा समझिएगा, यहाँ पे ये एंगल A ले लीजिए, ये आपको B और ये आपका C ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब कहिएगा 90 डिग्री तो सीधा होता है, ये 90 डिग्री से बड़ा, यानी कोई भी एक कोण, जैसे यहाँ पे A क्या है, A जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है, एंगल A जो है वो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो इस टाइप के त्रिभुज को हम बोलेंगे अधिक कोण। कोई भी एक कोण हो सकता है, कोई भी एक कोण, कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक कोण की हम बात नहीं कर रहे, कोई भी एक कोण, ध्यान से समझिएगा, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई भी हम लिख देते हैं हिंदी में, कोई भी एक कोण 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से छोटा हो तो आप उसको बोलेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। उसी प्रकार इसमें था कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो जाए तो उसको बोलेंगे आप राइट एंगल ट्रायंगल, लेकिन इसमें तीनों कोण एक्यूट में तीनों एंगल 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए था,
याद आ रहा है कि नहीं, 0 डिग्री से बड़ा लेकिन 90 डिग्री से छोटा, तीनों इसमें एक कोई 90 हो जाए और इसमें कोई एक 90 से बड़ा हो जाए, बस हो गया। यही है आपको एंगल के आधार पे, यानी कोण की बात इसमें हुई है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कोण की बात हो रही है। किसकी चर्चा हो रही है? कोण की। ऐसा हम किसी और की चर्चा की ही नहीं, हाँ किसी और की चर्चा नहीं हो रही है, इसमें सिर्फ कोण की चर्चा हुई। तो कोण के आधार पे ये ट्रायंगल्स के आपके टाइप है। लेकिन अब आप आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स के आधार। तो चलिए नाउ, यानी अगला समझिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ऑन द एकदम बेसिक से लिए हैं बाबू, एकदम बेसिक से उठाए हैं। हाँ अभी तो बहुत ऊपर लेके जाना है। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजाओं के आधार पे, यानी अब भुजा की बात होगी। हेडिंग में देख लीजिए, भुजा की बात होगी, भुजा। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, भुजा की बात होगी। हाँ तो चलिए, खाने वाली भुजा की बात नहीं हो रही है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो सबसे पहला आप देखेंगे ध्यान से, पहला आपका होगा इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि समबाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, यानी बराबर इन द सेंस कि लेंथ में बराबर हो। अगर मान लीजिए ये ए है, बी है, सी, तो ए बी की लंबाई वही होगी जो बी सी की, और वही लंबाई होगी सी ए की। तो इस तरीके के त्रिभुज को बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलेटरल, यानी कि समबाहु। समबाहु के नाम से जिसकी समान भुजाएं, समान भुजाएं, सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो, तो उसको क्या बोलेंगे आप? इक्विलेटरल ट्रायंगल। बोल नहीं रहा है सब? अगला हेडिंग दीजिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु, समद्विबाहु, यानी आपका दूसरा जो है वो आपको है आइसोसेलेस ट्रायंगल, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा, कोई फिक्स नहीं, एक ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी दो भुजा, इसे मान लीजिए ए बी और सी, कोई दो भुजा ये मान लीजिए इसके बराबर हो जाए, यानी कि ए बी बराबर अगर मान लीजिए हो गया बी सी, तब भी आप बोल सकते हैं कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। या मान लीजिए बी सी बराबर हो गया सी ए, तब भी आप बोल सकते हैं। या सी ए बराबर मान लीजिए ए बी हो गया, तब भी आप बोल सकते हैं। कोई भी दो भुजा की लेंथ आपस में बराबर हो जाए, लेंथ मतलब होता है लंबाई, कंफ्यूज मत होइएगा, लंबाई मतलब 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर वाली बात हो रही है। हाँ लेंथ मतलब हो गया लंबाई, क्लियर है? आगे समझिएगा। हाँ तीसरा है स्केलेन ट्रायंगल, तीसरा है स्केलेन विषमबाहु, यानी तीसरा आपका जो है वो है स्केलेन ट्रायंगल, यानी कि विषमबाहु। हाँ हेडिंग दे लीजिए, विषमबाहु। हाँ इसमें क्या है कि तीनों भुजा आपस में नहीं बराबर होना चाहिए, यानी किसी का लेंथ किसी के लेंथ के बराबर नहीं हो। ए बी सी का मतलब हो गया ये अलग लेंथ का, ये अलग लेंथ का, ये अलग लेंथ का, यानी इसकी लंबाई 4 तो इसकी 6, इसकी कुछ ऐसी लंबाई होनी चाहिए। अब त्रिभुज की क्या क्या लंबाई होनी चाहिए उसके पीछे भी थ्योरी है, ये नहीं कि कुछ भी लंबाई मान लीजिएगा तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा, वो हम आएंगे वहाँ पे। तो ये कहने का मतलब कि तीनों लेंथ आपस में बराबर नहीं होनी चाहिए। तो अब हम बोलेंगे जैसे ए बी की लंबाई अगर नहीं बराबर हुई बी सी की लंबाई, या नहीं बराबर हुई सी ए की लंबाई, तब बोलिएगा सर कि इस कंडीशन में ट्रायंगल जो मिलेगा वो मिलेगा स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु। तो अभी आप सारे ट्रायंगल्स के टाइप्स को समझे कि नहीं, ये हमको बस बताइए कि स्केलेन ट्रायंगल समझ लिए सर, आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ लीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल समझ लिए, और फिर सर पहले एंगल के आधार पे तो हम लोग समझ ही लिए थे। हाँ ट्रायंगल्स की बात हो रही है, सिर्फ ट्रायंगल्स की, ट्रायंगल्स के अंदर अभी हम किसी चीज पे नहीं गए हैं, बहुत अच्छी बात है, गुड, तुम लोग बहुत समझदार हो। आगे बढ़ते हैं, ट्रायंगल्स की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो ट्रायंगल से, हम किसी विशेष ट्रायंगल की बात नहीं कर रहे हैं, जो सभी ट्रायंगल्स पे लागू होंगे। अब कहोगे ये क्या है सर, तो आइए सीखते हैं, सीखने के लिए आप आते हैं ना, तो आइए सीखते हैं कि ट्रायंगल्स के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी हैं जो सभी ट्रायंगल्स के लिए मान्य। अब कहेगा सभी ट्रायंगल्स कौन, अभी आप जो 6 पढ़े
अभी आप जो छह पढ़े ना, तीन एंगल्स के आधार पे और तीन साइड्स के आधार पे नहीं पढ़े हो क्या? तो जब आप तीन पढ़े तो उसी तीन के आधार पे आपको कुछ स्पेशल प्रॉपर्टी है जो आपको सब जगह लगेंगे। यानी फिर से समझिए, आपने क्या सीखा? आपने सीखा था सर ट्रायंगल्स। ध्यान से देखेंगे, हम यहां लिख रहे हैं आपने सीखा था ट्रायंगल, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज। फिर आपने सीखा कि सर वो दो टाइप से समझना है, एक ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स पे, ये आपने सीखा, और दूसरा सीखा आपने ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। ठीक है, इसमें आपने तीन ट्रायंगल सीखे, इसमें भी आपने तीन ट्रायंगल सीखे। क्लियर है, आ रही है बात समझ में? ये आपने ट्रायंगल्स के स्टार्टिंग फेज से ये सीखे। और एक ट्रायंगल होता है जिसमें ये दोनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है, दोनों प्रॉपर्टी, यानी कि उसमें एंगल्स की भी बात होगी, ध्यान से समझना बाबू, एंगल्स की भी और प्लस साइड्स की भी प्रॉपर्टी लगेगी। अब उसका नाम क्या है ये समझिएगा, एंगल्स की भी प्रॉपर्टी लग गई और उसमें साइड्स की भी प्रॉपर्टी लग गई, उसका नाम है समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यानी कि आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि आइसोसेलेस का मतलब समझते थे समद्विबाहु, बोले नहीं ना बाबू आइसोसेलेस याद करो। हाँ, तो यानी कि इसमें देखो आइसोसेलेस का मतलब कि जिसकी दो भुजा बराबर हो, और राइट का मतलब कि एक को 90 डिग्री हो, तो इसमें एंगल दोनों लगा कि नहीं, इसका मतलब होता है ऐसे समझना, ये को 90 होगा और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी कि परपेंडिकुलर। जैसे यहाँ पे ए है, मान लो ये बी है, ये सी है, तो ये कन्फर्म है कि सर एक को 90 डिग्री है तो ये सर राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। लेकिन जैसे ही आप बोले कि सर ए बी बराबर बी सी भी है, ये भी है, तब तो ये आइसोसेलेस का हो गया। तो इसमें दोनों ही प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता है, दोनों ही प्रॉपर्टी फॉलो कर जाता है, यानी कि एंगल प्लस साइड्स का एक स्पेशल ट्रायंगल आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। तो समद्विबाहु के साथ साथ वो समकोण होगा, ये कन्फर्म है, आ रही है मेरी बात? समद्विबाहु के साथ साथ वो समकोण भी होगा, ये स्पेशल एक ट्रायंगल आप समझो। हाँ, गुड। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात हम करते हैं, देखिएगा। अब ट्रायंगल्स में कुछ प्रॉपर्टी समझिएगा, ट्रायंगल्स के प्रॉपर्टी जो सभी ये दोनों पे ही लागू होंगे, ये दोनों पे ही लागू होंगे, ये समझ लीजिएगा। ट्रायंगल्स की जो प्रॉपर्टी हम अभी आपको बता रहे हैं वो ये सभी इसमें भी एंगल्स वाले पे भी लागू होंगे और वो आपके साइड्स वाले पे भी लागू होंगे। जैसे कोई भी ट्रायंगल्स उठाइए, ये ट्रायंगल उठाए, अब यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी, तो इसके सामने का ये छोटा लेंथ ये कहलाता है और इसके सामने का ये बी कहलाता है और इसके सामने का ये सी से डिनोट होता है, ये हर ट्रायंगल पे लागू होगा, ये मत भूलिएगा। आ रही है बात समझ में? ये मत भूलिएगा। और एक चीज अभी हम आपको बता दें कि ये लेंथ है, ए लेंथ है, बी लेंथ है, सी, यानी बी के सामने का बी, ए के सामने का ए और सी के सामने का सी, ये हर ट्रायंगल्स में लागू होगा। दूसरी बात आप समझिएगा, यहाँ पे जो ये ए बी सी होता है, अगर इसको हम लोग जोड़ें ए प्लस बी प्लस सी, तो ये 2s के बराबर होता है। अब s जो होता है वो होता है सेमी पेरीमीटर, ये हर ट्रायंगल में लागू होगा, अर्ध परिमाप। S जो होता है ये आपको कहलाता है सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। क्लियर है? अब आपको बताते हैं, कोई भी ट्रायंगल हो, यानी ये पहला प्रॉपर्टी समझ लीजिए, कोई भी अगर आपके पास ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल, फॉर एनी ट्रायंगल, नाम मत लीजिए, किसी भी ट्रायंगल को आप उठा लीजिए, तो तीन कोण होंगे, एक दो और तीन, तो ये कन्फर्म है कि ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, वो आपको एंगल से हो या आपको साइड्स वाले में भी हो,
किसी भी ट्रेंगल में, हाँ किसी भी ट्रेंगल में उसके तीनों एंगल्स का सम किसी भी कंडीशन में 180 ही होगा, वो नहीं बदल सकता है। ये पहली बात समझ में आई। हाँ, अगर आपने ट्रेंगल्स के बाह्य कोण को ले लिया, जो हम पहले भी बता चुके हैं, समझिएगा इस बात को, जो हम आपको पहले भी बताएं, जैसे मान लीजिए यहाँ ए बी सी, अब ये एंगल वन और ये टू, याद कीजिएगा। फिर इसी प्रकार ये आपका थ्री और ये आपका फोर, ये आपका फाइव, ये आपका सिक्स। तो आप एंगल वन प्लस एंगल थ्री प्लस एंगल फाइव 180 इंटीरियर एंगल, त्रिभुज के ये इंटीरियर एंगल पॉलीगन के क्लास में पढ़िएगा। अब एक्सटीरियर एंगल आइए, एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, दो चार और छः। तो एंगल टू प्लस एंगल फोर प्लस एंगल सिक्स की वैल्यू 360 डिग्री होगी। ये हम पिछले क्लास में प्रूफ कर चुके थे पॉलीगन के क्लास में, अगर वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर देखो। ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है। चलो अगला प्रॉपर्टी एक समझना, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, बहुत बच्चों को दिक्कत होता है कि जैसे मान लो कि हमने यहाँ एंगल वन लिया और यहाँ पे एंगल टू है और यहाँ एंगल थ्री है, समझना इस बात को, ठीक है। तो चलो यहाँ फोर ले लेते हैं, यहाँ फाइव ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं सिक्स, ठीक है। अब एक चीज़ हम आपको बताते हैं, किसी भी त्रिभुज में बाह्य कोण उसके विपरीत अंतः कोणों से हमेशा बड़ा होता है। लेकिन एक चीज़ और आपको समझना होगा, जैसे मान लीजिए आपने ये वन और टू का सम ये फोर के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल वन और प्लस एंगल टू हमेशा एंगल फोर के बराबर हो जाएगा। अब कहेगा सर तो इधर भी चलेगा, वन प्लस थ्री के बराबर क्या हो जाएगा, सिक्स, यानी एंगल वन प्लस थ्री इज इक्वल टू एंगल सिक्स। इधर क्या लीजिएगा, इधर अगर आपने लिया थ्री फोर तो ये बराबर हो जाएगा किसके, फाइव के। तो एंगल टू प्लस एंगल थ्री और ये आपको होगा फाइव के, यानी दो अंतः कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग के बराबर होगा। अंतः कोण ये दोनों जो है वो अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, और ये तीनों क्या है, एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। ध्यान दो किसके, वन टू फोर के बराबर होगा, वन थ्री किसके बराबर, सिक्स के, टू थ्री किसके, फाइव के, है कि नहीं, ध्यान से देख लो। और यहां पे यही हम आपको बात में एक और बात नोट में बता दें कि एंगल जो फोर है वो हमेशा इसके विपरीत एंगल वन से बड़ा ही होगा, और इसके साथ साथ ये भी याद रखिए एंगल फोर हमेशा बड़ा होगा एंगल टू से, क्योंकि इन्हीं दोनों के सम के बराबर फोर होता था। ये किसी भी ट्रायंगल्स में लागू होंगे, ऐसा मत समझिएगा कि किसी स्पेशल ट्रायंगल्स के, हम हर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी, ट्रायंगल्स के अंदर नहीं गए अभी, हम ट्रायंगल्स के बाहर से ही सारी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। उतारिए, हाँ अगर चलिए पांचवा प्रॉपर्टी देखिएगा। मान लीजिए कि ये आपको कोई भी ट्रायंगल हो गया, जैसे मान लीजिए ये ए हो गया, ये बी हो गया और सी, ये दोनों अगर एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए, तो ये दोनों अगर एंगल बराबर हो गए, यानी कि आप कहना चाहते हैं कि सर इफ एंगल बी अगर एंगल सी के बराबर हो गया, हो सकता है। तो B के सामने की भुजा है AC, B के सामने की भुजा है AC और C के सामने की भुजा है AB, तो ये भी दोनों आपस में बराबर होंगे। अगर ये चीज़ आप भूल जाते हैं तो जरा सा आप याद कीजिएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज जिसके तीनों कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं, याद कीजिए। तो ABC एंगल ए बराबर होगा एंगल बी और एंगल सी, तो ये तीनों साइड भी तो बराबर होता था। इसी आधार पे अगर दो कोण बराबर हैं तो दो भुजा बराबर है।
अब उल्टा समझ लीजिए, अगर दो भुजा बराबर है तो दोनों उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ये उल्टा भी सही होता। आ रही है बात समझ में? फिर से समझ लीजिए कि दो कोण अगर आपके बराबर हुए तो भुजा बराबर हुई, और दो भुजा बराबर हुई तो दो कोण बराबर होंगे। ये जो प्रॉपर्टी सब है ये सभी ट्रायंगल्स में मान्य है जी, ये सभी ट्रायंगल्स में मान्य है, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। देख लीजिए अभी भी ट्रायंगल से रिलेटेड बातें, देख लीजिए अभी भी कोई डाउट नहीं रखेंगे हम। हाँ, ये चीज समद्विबाहु त्रिभुज पे भी लागू हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज के दो कोण अगर बराबर, दो भुजा बराबर हैं तो आप ये मान के चलिए कि उनके दो भुजा बराबर है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज, जैसे छोटा सा एक समद्विबाहु त्रिभुज यहाँ लेते हैं, मान लीजिए कि ये और ये कोण बराबर है तो इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी, इसके सामने की भुजा ये बराबर होगी। सिंपल सा मतलब है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उसके सामने की भुजा बराबर होगी, अगर सामने की भुजा का लेंथ बराबर है तो उसके सामने के कोण आपस में बराबर होंगे। एकदम बारीकी समझिए बाबू, बारीकी। दिक्कत हो तो 10 बार पूछिए लेकिन समझ के जाइए। तो ये ट्रायंगल से रिलेटेड बातें थी। बोलिए अभी भी कोई दिक्कत नहीं? हाँ, सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल, टर्म से तो एल्टीट्यूड, मीडियन, परपेंडिकुलर, ये सारी बातें अगले क्लास में, एक ही दिन सब सीख जाओगे क्या? तो चलिए कल मिलते हैं हम लोग, इसको आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू।